हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SVGM आसिम की केमिस्ट्री क्लासेस में वेलकम बैक। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस एमाइंस। इन एमाइंस वी आर डिस्कस नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एमीन ग्रुप्स एंड नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। सो ध्यान से देखिए, क्या लिखा मैंने, एलील एमीन्स। क्या लिखा, पैरा टोलुडीन। क्या लिखा, आइसोप्रोपिल एमाइंस। एलील एमीन्स क्या है, एलील एमीन्स एलील ग्रुप के साथ एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या बन गया, एलील एमीन्स। अब इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, 1, 2, 3, राइट। तो प्रोप टू इन वन एमीन, पेराटोलुइडीन। कल भी हमने डिस्कस किया था इडीन, टोलुइन से इडीन। इट मींस टोलुइन के साथ क्या लगा हुआ है, टोलुइन क्या है, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इडीन आ गया। अब पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अब इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा, 4-मिथाइल एनिलीन या बेंजामिन, 4-मिथाइल बेंजीन मीन, 4-मिथाइल बेंजीन, ई अटके क्या लगे, एमीन, बेंजीना मीन, बेंजीने मीन्स, राइट। नेक्स्ट है आइसोप्रोपिल एमीन। अब आइसोप्रोपिल ग्रुप क्या होता है, CH3, CH, CH3, एमीन इट मींस NH2। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो प्रोपेन, 2 एमीन, तो प्रोपेन 2 एमीन्स, ई सब्स्टिट्यूट बाई एमाइंस। तो इस टाइप से सम इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ द एमाइंस ग्रुप हमने डिस्कस किया, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एमाइंस। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सीबीएसई या अदर्स बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ एमाइंस। तो आपने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन्स, थ्री टाइप्स ऑफ एमाइंस। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया बाय एल्किल ग्रुप्स। तो सबसे पहले अपने प्रिपरेशंस ऑफ एमाइंस में एक ऐसी केमिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी थ्री टाइप्स ऑफ एमाइंस बनते हैं। तो मेथड का नाम है एक हॉफमैन, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइट मेथड दिया था। ऑफमोन मेथड के नाम से जाना जाता है इसको। तो इस मेथड में क्या है, अमोनोलाइसिस ऑफ RX, इट मींस जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसका क्लीवेज बाय अमोनिया नोन एज अमोनोलाइसिस। क्या पढ़ रहे हैं हम, अमोनोलाइसिस। ध्यान दीजिए, CH3X ये क्या है, अमोनिया।
अमोनिया के द्वारा कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करना, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ए हैलोजन इन एल्किल हैलाइड्स बाय अमोनिया नोन एज अमोनोलाइसिस। अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो NH3 ध्यान दीजिए, ये इस पे देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और X पे क्या है नेगेटिव, और यहां क्या लग गया CH3। तो एक्चुअल में जब सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन होगी तो किस टाइप का एडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिए पहले NH3 CH3 X नेगेटिव। अब जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो सील्ड ट्यूब टेम्परेचर कितना होगा 373 केल्विन, और एक्वस एल्कोहलिक अमोनिया जो है वो कैसा सॉल्यूशन है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो फर्स्ट सील्ड ट्यूब टेम्परेचर कितना है 7373 और एल्कोहलिक अमोनिया में, तो ये पहले बनता है। फिर इसमें क्या होता है जब इसको हीट करते हैं तो HX बाहर आ जाता है और क्या बन जाता है CH3NH2। तो एज ये टाइप किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किस टाइप की रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान दीजिए समझिए इसको। वी आर स्टडी प्रिपरेशंस ऑफ एमाइंस, मैंने आपको बताया अफमान मेथड के बारे में, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, क्या होता है अमोनोलाइसिस, एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड क्लीवेज बाय अमोनिया नोन एज अमोनोलाइसिस। तो आप क्या देख रहे हो कि सील्ड ट्यूब 373 केल्विन टेम्परेचर और एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया जब एल्किल हैलाइड इन लेके गर्म करते हैं तो पहले ये कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर हाइड्रोजन हैलाइड बार हो जाता है और क्या बन जाता है CH3NH2। अब वही नेक्स्ट आगे रिएक्शन होगी किसकी, एल्किल हैलाइड जिसे हमने ले लिया CH3X, तो पहले क्या बनेगा वही कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसको गर्म करेंगे तो HX बार आ जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा CH3 की ट्वाइस NH। ठीक है, ध्यान से देखिए, वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, ये यहां जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और बाद में गर्म करने पर HX बार आ जाएगा और क्या बन जाएगा सेकेंडरी एमाइंस, ये क्या है प्राइमरी एमाइंस। अब फिर आगे इसके रिएक्शंस कराएंगे किसके साथ, वही CH3X के साथ, HX क्या जाएगा बार क्या बन जाएगा CH3 की थ्राइस N। तो क्या देख रहे हो आप, कौन सी एमीन बन गई, टर्शियरी एमाइंस। और फिर यदि आगे और एल्किल हैलाइड है CH3X के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है N पे पॉजिटिव चार्ज और CH3 की 4 यानी क्या बन जाती है क्वार्टर नरी अमोनिया अमोनियम EM, इट मींस नाइट्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, इसके साथ क्या लग जाता है X नेगेटिव लग जाता है। इस टाइप से आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर प्राइमरी एमीन भी बनती है, सेकेंडरी एमीन्स भी बनती है, टर्शियरी एमीन्स भी बनती है। किस टाइप की रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और अमोनोलाइसिस ऑफ RX। ये अमोनोलाइसिस क्या होता है, अमोनिया के द्वारा कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का क्लीवेज ही क्या कहलाता है, अमोनोलाइसिस कहलाता है। ध्यान क्या रखना है इस मेथड में, अगर इसके अंदर आप क्या देख रहे हो एक्सिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एक्सिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, अगर एक्सिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स लेते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 टाइप्स के एमीन्स बनते हैं। अब स्पेशल अपने को क्या चाहिए, प्राइमरी एमीन्स चाहिए, स्पेशल क्या चाहिए, प्राइमरी एमीन्स चाहिए। तो यहां पे इसकी
किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं? NaOH बेस के साथ, तो CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2 प्लस H2O और साथ में क्या जाएगा NaX बार आ जाएगा और आगे रिएक्शन क्या है नहीं चलेगी। ध्यान से देखिए इस मेथड्स के अंदर अगर एक्सेस ऑफ एल्किल हैलाइड है तो प्रोसीजर में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी थ्री टाइप्स एमाइंस प्रिपरेशंस, और यदि हमें केवल प्राइमरी एमाइंस ही बनाना है टू प्रिपेयर द प्राइमरी एमाइंस तो आप एक्सेस में नहीं लिया जाएगा एल्किल हैलाइड, और जो फर्स्ट स्टेप बनता है इसके किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं? बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं, जिससे क्या बन जाता है प्राइमरी एमाइंस फॉर्म हो जाता है। तो इस टाइप से ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस बनाने की केमिकल मेथड हॉफमैन मेथड्स इंपॉर्टेंट है। जो स्पेसिफिक करेक्टर वो मैंने बता दिया आपको, 373 केल्विन टेम्परेचर, सील्ड ट्यूब होती है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया जाता है अमोनिया का और साथ में एल्किल हैलाइड्स लिया जाता है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे रिडक्शन मेथड। अब केवल और केवल प्राइमरी एमीन्स बनाने के प्रिपरेशन मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पीछे वाले मेथड में अपने तीनों बन रहे थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अब हम जो भी मेथड डिस्कस करेंगे उसमें आप क्या देखोगे कि प्राइमरी एमाइंस ही बनती है। तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो एल्केन है या एरोमेटिक नाइट्रो है तो उनका जो रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा एनिलीन या एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस बनेगा, जैसे RNO2। अब आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट जैसे SNHCl या FeHCl की प्रेजेंस में करवाते हैं तो RNH2 plus 2H2O क्या बन गया, नाइट्रो कन्वर्ट इन एमाइंस, नाइट्रो कन्वर्ट इन एमाइंस एमीन्स। ठीक है, अब इसमें जो हमने रिएजेंट लिया FeHCl ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे कि जब FeHCl की रिएक्शन होती है तो इसमें क्या बनता है FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन क्या होता है। अब ये FeCl2 है, ये जो इस केमिकल रिएक्शन में ध्यान से देखिए जो वाटर फॉर्म हो रहा है इसमें वापस क्या बना रही है ये HCl फॉर्म कर रही है। तो इस केमिकल रिएक्शन में केवल इनिशियल टाइम ही या इन टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन टू मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द रिक्वायर्ड HCl आफ्टर इन दिस Fe प्लस HCl टू फॉर्म HCl, सो केमिकल रिएक्शन क्या होती रहेगी आगे से आगे प्रोपेगेट होती रहेगी, इसकी आगे और नेसेसिटी नहीं रहेगी। तो यहां जो ये रिएजेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, ध्यान रहे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसमें स्पेसिफिक दिया गया है तो नोटिफाई करते समय इस बात का आप अलग से मेंशन कर लें क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे अलग रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है। बेस्ट रिएजेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन तो ये इस टाइप के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे तो बेस्ट कौन सा है Fe प्लस HCl बिकॉज इन दिस फॉर्म FeCl2। तो ये था रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो। नेक्स्ट नाइट्राइल, नेक्स्ट क्या लेते हैं नाइट्राइल, तो आप जानते हो नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल वर्ड्स इज सफिक्स ऑफ साइनो ग्रुप तो RCN। अब रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम विद एल्कोहल
या अम्लगित सोडियम NaHg C2H5OH, तो ये दोनों के दोनों रिडक्शन में क्या बनाएंगे, RCH2NH2। क्या देख रहे हो आप, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स टू प्रिपेयर प्राइमरी एमाइंस। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में भी प्राइमरी एमीन फॉर्म होती है, इसमें भी आप क्या देख रहे हो, प्राइमरी एमीन्स। अब यहां एरोमेटिक ले लेते हैं अपने, जैसे C6H5N4H, उसमें भी आप एनिलीन बना सकते हैं, पहले वाले मेथड में भी NaC2H5OH या NaHg क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान ये रखना है, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है तो इसको मेंडियस रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मेंडियस रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, नोन एज मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें भी क्या बन जाएगा, C6H5CH2NH2। ध्यान आ रहा है कुछ, बेंजिल एमाइंस, बेंजिल एमाइन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये फॉर्मेशन एसेंट सीरीज है, क्या है ये, एसेंट सीरीज ऑफ एमाइंस। तो कई बार इसी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, गिव ए केमिकल रिएक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ द एमाइंस इन एसेंट सीरीज ऑफ एमाइंस। तो आप एसेंट का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ, यानी जो अपने यहां जैसे टू, ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यहां हमने वन एल्किल ग्रुप या टू कार्बन का एल्किल ग्रुप लिया या थ्री कार्बन का एल्किल ग्रुप लिया, तो उसमें वन कार्बन इंक्रीज होकर के क्या बनती है, एमाइंस बनती है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, एसेंट सीरीज ऑफ एमाइंस के नाम से जाना जाता है। इस टाइप से ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। तो ये था रिडक्शन ऑफ ए नाइट्राइल का पॉइंट्स, जिसमें आपने क्या देखा कि सबसे पहले नाइट्राइल ग्रुप है, रिडक्शन होता है, अगर ये होता तो मेंडियस क्या, सोडियम मेटल विद एल्कोहल्स, एसेंट सीरीज के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ एमाइट, नेक्स्ट क्या लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइट। तो एमाइट क्या होता है, RCONH2। अब इसमें CO ग्रुप का क्या करना है, रिडक्शन होगा, तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम है हाइड्राइड, क्या बन जाएगा, R साथ में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस RCH2NH2। इस टाइप से रिडक्शन मेथड, ध्यान से देखिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और रिडक्शन ऑफ ए, लास्ट क्या पढ़ा हमने, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, इन मेथड से वी प्रिपेयर एमाइंस। ठीक है, तो ये फोर केमिकल रिएक्शन थी रिडक्शन की। अब आगे हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कुछ केमिकल रिएक्शन है टू प्रिपेयर द प्राइमरी एमाइंस के नाम से। तो ध्यान से देखिए, क्या लिखा मैंने, गैब्रिल सिंथेसिस ऑफ मेथड अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो गैब्रिल नाम का साइंटिस्ट है, इसने सिंथेसिस किया है किसका, प्राइमरी एमीन्स का, पर किससे किया है, थैलीमाइड से। किससे किया है,
थैलेमाइड से। तो पूरा टॉपिक क्या बन गया अपना, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मेथड्स। तो ध्यान दीजिए, थैलेमाइड का हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब थैलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, थैलिक एसिड की अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं और फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, थैलेमाइड बनता है। क्या बनता है, थैलेमाइड बनता है। ध्यान आ रहा है, थैलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया एंड टू हाइड्रोलाइसिस एंड टू फॉर्म थैलेमाइड्स। गैब्रियल ने इसी थैलेमाइड के एप्लीकेशन से या इसका यूज करके क्या बनाया था, प्राइमरी एमीन्स फॉर्म की थी। अब ध्यान से देखिए कि यहां दो CO ग्रुप हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या जाना चाहिए, बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम केमिकल रिएक्शन किससे करा दें, बेस से, प्रेजेंस क्या एक्वस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एल्कोलिक, इंपॉर्टेंट, एल्कोलिक केओएच की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां से एच और ओएच मिलके एच टू बार आ जाएगा, यहां क्या लग जाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पोटेशियम थैलेमाइड फॉर्म होगा। क्या बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड्स। अब इस पोटेशियम आयन का सब्स्टिट्यूशन करना है अपने को, तो इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, एल्किल हैलाइड से। किससे करा देते हैं, एल्किल हैलाइड से करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, एल्किल थैलेमाइड्स। क्या बन जाएगा, एल्किल थैलेमाइड्स। और फिर इसका क्या करवा दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाता है। तो RNH2 क्या बन गई, प्राइमरी एमीन्स, और बार क्या गया, थैलिक एसिड। तो इस टाइप से प्राइमरी एमाइंस एमीन बना लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मेथड। गैब्रियल ने थैलेमाइड की सहायता से प्राइमरी एमीन को बनाने का सिस्टम बताया था। क्या देखते हो आप, थैलेमाइड की स्ट्रक्चर आपको ध्यान देनी चाहिए। थैलेमाइड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि थैलिक एसिड का अमोनिया के साथ जो रिएक्ट बनाते हैं, जो साइक्लिक बनता है कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं, थैलेमाइड से कहते हैं। फिर इसकी मैंने आपको बताया एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको एल्कोहलिक केओएच के साथ क्या करवा दिया जाएगा, रिएक्ट करवा दिया जाएगा। फिर क्या बनेगा, पोटेशियम थैलेमाइड्स। फिर इसकी पोटेशियम आयन का सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, किसके, बाई एल्किल ग्रुप, और फिर उसका क्या करवा दिया जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमाइंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रटना नहीं है बिल्कुल भी, पॉइंट टू पॉइंट समझना है, किसका किसके साथ रिलेशन है, किसकी कब रिएक्शंस होगी, वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है। अच्छी तरह से आप इनको दो चार बार राइट करेंगे, रीड करेंगे, तो ये परमानेंटली आपके याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अहमान, ब्रोमेमाइट मेथड, ये भी प्राइमरी एमीन्स बनाने का मेथड है। अब थोड़ा सा मैं यहां डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं, लास्ट मेथड में हमने जो पढ़ा था उसमें एरोमेटिक एमीन्स यानी एनिलिन फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो आपने क्या देखा था, थैलेमाइड्स के अंदर यहां क्या है, एन, और यहां क्या लगेगा, एरिल समूह आना चाहिए। कब आना चाहिए, एरिल समूह, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड से। तो एरिल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो जल्द इजी वे में क्या नहीं होता,
क्लीवेज नहीं होता। सेकंड, यहां बनने से ये जो कंपाउंड बनता है ये बाय रेजोनेंस क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये यहां से बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, नहीं होगा तो ये क्या नहीं फॉर्म करेगा, एरोमेटिक एमाइंस या एनिलीन को फॉर्म नहीं करता। ये भी एक नोट्स बनाते समय एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह से नोटिफाई इस बात को कर लेवे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हाफमान ब्रोमेमाइड मेथड। तो इसमें आपको पता चल रहा है एमाइड यानी CH3CONH2 कोई भी एमाइड होगा या एल्किल ग्रुप होगा, एसिटेमाइड है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाएगी, ब्रोमीन से करवाई जाएगी। प्रेजेंस ऑफ एल्किली, जैसे आपने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, जब हीट करते हैं इसको तो क्या होता है कि ये जो CH3NH2, अब ये जो CO ग्रुप है ये बेस के साथ रिएक्ट करके किस में चला जाता है, Na2CO3 और 2NaBr12 आ जाता है, ठीक है, और साथ में क्या बन जाता है 2H2O। आप क्या देख रहे हो, वन कार्बन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, क्या कहते हैं इसको, डिग्रेडेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो हम एमाइड्स ग्रुप लेते हैं उससे वन कार्बन कम की एमीन्स अपने को ऑब्टेंड होती है। हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन मेथड्स रटना नहीं है, नाम से देखो एमाइड आ रहा है इसका मतलब कोई भी एल्किल एमाइड है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी, बेस की प्रेजेंस होगी, ये जो ब्रोमीन है ये डायरेक्ट बेस के साथ मिलकर के बाहर आ जाएगी, इस CO ग्रुप को यहां से आउट किया जाएगा, ये NH2 ग्रुप इससे ऐड होगा, CO ग्रुप का कार्बोनेट के रूप में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, या एमाइड में से CO ग्रुप एग्जिट होगा किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, नाम से ही ध्यान रखना है, हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन मेथड, यानी वन कार्बन कम इसमें अपने को एमीन बनेगी और केवल इसमें प्राइमरी एमीन्स ही बनती है। ये प्राइमरी एमीन के बनाने का ही एक स्पेसिफिक मेथड है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में एल्कली के साथ, जो मैंने आपको बताया CO ग्रुप किसके फॉर्म में बाहर आता है, कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर आता है। तो इस टाइप से प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस के ये 6 केमिकल मेथड अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस एज CBSE वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बता दिया पॉइंट टू पॉइंट जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में। अब इनको आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए और बार बार इनको रिपीट कीजिए, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन पॉइंट टू पॉइंट आपके याद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपने स्टडी में बिजी रहिए, कीप इंजॉय विद योर स्टडी, थैंक यू वेरी मच।